देखिए ये जो बोल्ट है घूम रहा है, जो वॉल सीलिंग को उठा रहा है, देख रहे हैं ना। जब भी देखिए कि ये जहाज से जब बैठ के, ये जो बैठ के थोड़ी देर रुकेगा तभी ये गिरेगा, नहीं तो ये क्या होगा ना, उल्टा टाइमिंग हो जाएगा। तो इसको घुमा के इस तरफ और आगे तरफ दो तरफ बोल्ट है उसको घुमा के थोड़ा आगे कर दीजिए, वो बराबर हो जाएगा। आगे कर दीजिए, नहीं तो पीछे कर दीजिए। और बाकी रह गया जो हवा का क्या है ना, देखिए जब भी आपको हवा पेपर खींचता है एंगल का लेवल पे रहने का टाइम पे क्या करना है ना, तभी जैसे कि पेपर खींच के लेके जाएगा, नहीं तो ऊपर रहेगा तो थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो ये अगर पीछे आएगा ना तभी गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा ना, पेपर आके प्लेट में लगेगा, बीच में फंसेगा। इसलिए क्या करना है ना, उसका जो बीच में जो वहाँ पे देखिए बीच में जो एयर रबर रॉड जो उठा रहा है उसका टाइमिंग थोड़ा आगे कर दीजिए। आगे करके उसका बोल टाइट कर देने के बाद थोड़ा सा हवा का टाइम भी आगे कर दीजिए, क्योंकि हवा सिंपल है, वो उधर करना है, ये भी उधर करना है, इसको भी उधर करना है, तो थोड़ा आगे कर दीजिए। आगे कर देने के बाद वो हो जाएगा, उसको हो जाने के बाद उसके बाद अगर वो नहीं हुआ तो यहाँ पे जो लिमिट स्विच है, एयर लिमिट स्विच वहाँ पे है, देखिए एयर लिमिट स्विच को थोड़ा सा आगे कर देने से वो भी हो जाएगा। अगर फिर भी पेपर टाइमिंग का अगर बराबर आते से नहीं हो पाया तो क्या करना है बताता हूँ। तो क्या करना है ना, आप उसको उसको थोड़ा लूज करके जो पीछे वाला का जो खींच के लेके जा रहा है, ये वाला जो टाइमिंग है, ये वाला टाइमिंग, ये तो पोप को खींचता है, ये पेपर को खींचता है, ये थोड़ा लूज करके तो आगे बढ़ने से आगे मतलब जहाज साइड में जैसे कि नहीं लगेगा, जहाज साइड में अगर लगेगा तो तोड़ फोड़ जाएगा, इसलिए जहाज साइड में जैसे कि नहीं लगेगा, वो बैठने के बाद ये इधर आएगा, नहीं तो इसका टाइमिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे एक एक वीडियो में बताऊंगा।